किसानों को नहीं मिल रही डीएपी एनपीके यूरिया खाद, किसानों ने महामहिम राज्यपाल को भेजा। झापन बरेली में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रवक्ता हाजी मोहम्मद इकबाल एडवोकेट के नेतृत्व में शनिवार को महामहिम राज्यपाल को संबोधित मांग पत्र कलेक्ट्रेट पहुंच कर दिया। मांग पत्र के माध्यम से 10 सूत्रीय मांगों को रखा गया। हम हाजी मोहम्मद इकबाल एडवोकेट है। मैं भारतीय किसान यूनियन का जिला प्रवक्ता हूँ। मामला ये है कि खाद कहीं दिखाई नहीं दे रही है, ब्लैक से बेची जा रही है, किसान परेशान है। ये कई वर्षों से मतलब ये समस्या चली आ रही है। किसान की आमदनी दूनी बढ़ाने की बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी तो और प्रधानमंत्री जी, तो ऐसी हालत में किसान की आय दूनी कैसे होगी। इधर आवारा पशुओं से किसान बहुत परेशान है, फसल की लागत नहीं लौटती। योगी जी और मोदी जी हैं तो मुमकिन है, तो ऐसे में हम ये चाहते हैं कि ये दोनों लोग मुमकिन कर दें कि एक आवारा गाय को या बछड़े को हर वेतन भोगी, राज्य सरकार का वेतन भोगी या केंद्र सरकार का वेतन भोगी है, वो पालने का काम करेगा तो रोड पर और जो है ट्रेन पर जो ये गाय कट रही है नहीं कटेगी, और खेतों में भी जो है नहीं दिखाई देगी। किसान जो है इनसे मुक्त हो जाएगा तो उसको फसल पूरी मिलेगी। और बंदर जो है बहुत आतंक मचाए हुए हैं किसानों को उधर गाँवों में, यहाँ शहर के अंदर भी बहुत आतंक मचा है। बंदरों को आवारा पशु घोषित किया जाए, जो जंगल से बाहर पशु है वो आवारा है और रात दिन किसान का नुकसान कर रहा है। इन हालात में ना तो किसान की फसल बच रही है ना पेड़ पौधा बच रहा है, और उसकी जो लागत है बुआई जुताई खाद पानी लेबर वो उसकी लागत लौट के नहीं आ रही है। और सरकार बात करती है कि किसान की आमदनी दूनी होगी, तो इन हालात में अगर किसान की आमदनी दुगनी करना चाह रही केंद्र सरकार राज्य सरकार, तो किसान की समस्याओं का तत्काल जो है समाधान करें और उसको राहत पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद।